तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे जी मोबाइल न्यू स्टेट में आपको रैंक पुश करनी चाहिए फॉर कॉन्कर या आपको एक हफ्ते बाद जब पबजी मोबाइल का नया सीजन आएगा C1S3 उसमें रैंक पुश करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम साइड वाइज कंपेयर करेंगे BGMI को न्यू स्टेट से कि भाई किस में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है और कैसी आपकी जर्नी रहेगी रैंक पुश के लिए। तो भाई बात करते हैं न्यू स्टेट की। इससे भाई आप पहली बात नया नया गेम है, एकदम नया नया गेम है, सीजन वन चल रहा है, फिलहाल सीजन की फ्रेम एक भी बंदे के पास नहीं है, नहीं स्क्वाड में नहीं सोलो में। कुछ टाइम बाद बंदों पर आ जाएगी रैंक पुश करते करते, बट अभी फिलहाल किसी भी बंदे ने कॉन्क्रीट टच नहीं किया है। बट बात करें BGMI की, पहला सीजन भी जा चुका है, पहला जो C1S1 का सीजन वन था वो भी जा चुका है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्क्रीट फ्रेम होगी ना उसकी यूनिकनेस बिल्कुल भी नहीं है। जो भाई उसकी यूनिकनेस थी ना भाई खत्म हो चुकी है BGMI की, क्योंकि भाई वो फ्रेम अभी सभी के पास अवेलेबल है। जो उस टाइप की फ्रेम थी सीजन 19 से पहले की वो भी फ्रेम सभी के पास अवेलेबल है, और जो साइकिल वाली फ्रेम चल रही है ये भी सभी के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो यूनिक बात थी BGMI में कॉन्क्रीट फ्रेम की यूनिक बात वो अब खत्म हो चुकी है। बट बात रही न्यू स्टेट में, जो यहाँ पे यूनिकनेस थी जो इसकी फ्रेम की पहली फ्रेम की वो अभी भी है और काफ़ी सीजन तक रहेगी। तो भाई अब मैं आपको साइड वाइज कंपेयर करके बताऊंगा BGMI वर्सेस न्यू स्टेट कि भाई कौन सा सबसे आपके लिए सुटेबल होगा रैंक पुश के लिए और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए रैंक पुश करते वक्त। तो भाई बात करते हैं हम न्यू स्टेट की। न्यू स्टेट में भाई सोलो है, स्क्वाड है, यहाँ पे डुओ कोई ऑप्शन नहीं है। बट इन BGMI यहाँ पे सोलो भी है, डुओ भी है, स्क्वाड भी है। जो भाई डुओ की रैंक पुश ऑडियंस थी और भाई जो डुओ के रैंक पुश होते हैं वो भाई न्यू स्टेट में एज अ कंफर्टेबल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे आप अकेले खेलोगे या चार बंदों के साथ खेलोगे एज अ स्क्वाड। तो भाई यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है फॉर डुओ ऑडियंस, बट भाई आप चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकते हो स्क्वाड में या सोलो में, ये आप पे डिपेंड करता है। आप एकदम डुओ में एकदम पक्के वाले एकदम बीस्ट हो, जो भाई डुओ के लीडर बोर्ड में हमेशा टॉप पे बैठते थे, तो भाई यहाँ पे आपको कंफर्टेबल शिफ्ट नहीं हो पाओगे, साफ सी बात है। तो भाई अगर आप डुओ रैंक पुशर हो तो भाई आपको न्यू स्टेट में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे डुओ तो है ही नहीं। दिक्कत क्या आएगी भाई, हो ही नहीं पाएगा, जो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे आप रैंक पुश कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई रैंक की। तो भाई मैंने अभी अभी रैंक देखी थी सोलो की, जो टॉप 100 में बंदा चल रहा है ना उसकी गोल्ड के आसपास रैंक है, और जो टॉप 1 पे है उसकी प्लेटिनम 4 है। मतलब भाई अभी कंपटीशन है, मैं नहीं बोला कंपटीशन नहीं है, है अभी कंपटीशन, बट अभी कम है भाई। गोल्ड प्लेटिनम के भाई यहाँ पे क्या ही टाइम होते हैं, ब्रॉन्ज टू गोल्ड या प्लेटिनम जाने में कितना कम टाइम लगता है हमें ही पता है। तो भाई आप चाहो तो अभी रैंक पुश कर सकते हो और आराम से कॉन्कर भी कर सकते हो। बट इन BGMI वहाँ पे भाई अभी रैंकिंग स्टार से पहुँच गई है सोलो डुओ स्क्वाड सब में, बहुत बहुत स्टार आपको करने पड़ेंगे एज के बाद ही, तब जाके आपको शायद कॉन्कर हो पाए। वो सीजन के एंड में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है अभी कॉन्कर होने के। तो भाई अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं टाइम। तो भाई यहाँ पे साफ सी बात है किसी भी रैंक पुश में आप करोगे उसके लिए भाई अंदर टाइम चाहिए, बट इन न्यू स्टेट अभी भी स्टार्टिंग का सीजन का टाइम है, और इन जब नया सीजन आएगा C1S3 वहाँ पर स्टार्टिंग का टाइम होगा। तो इसमें भाई टाइम के लिए मैं दोनों को इक्वल पॉइंट देना चाहूँगा, टाइम का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसमें भी इतना एज पे कॉन्कर मिलेगा स्टार्टिंग में, इसमें भी एज पे कॉन्कर मिलेगा स्टार्टिंग पे। तो भाई आपकी डिपेंड करता है आप किस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब भाई बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, हैकर्स। तो भाई मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो पबजी मोबाइल न्यू स्टेट है ना वहाँ पे कुछ बंदों का चल नहीं रहा था, तो भाई उसका एक सॉल्यूशन था, जो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन जो होता है ना उसे डिसेबल कर दो तभी चलेगा। तो भाई देख रहे हो उनका एंटी चीट सिस्टम इतना हाई है, एक डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन इनेबल है तो भाई वहाँ पे लॉगिन ही नहीं ले रहे, इतना हाई एंटी चीट सिस्टम है। मतलब भाई यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं अंदर से कि यहाँ पे न्यू स्टेट में हैकर बहुत कम होंगे या हैकर होंगे ही नहीं। इन BGMI वहाँ पे क्या बोलूँ भाई, फ्री हैक एकदम यूट्यूब वाले सस्ते या फ्री हैक भी गंदा फैल के जाते हैं, और वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, हर एक बंदा हैकर ही होता है भाई यहाँ पर BGMI में। तो भाई एज अ BGMI रैंक पुशर मैं कभी भी हैकर को प्रायोरिटी देके मैं BGMI रैंक पुश नहीं करूँगा, क्योंकि भाई हैकर ही हैकर हैं BGMI में। तो भाई वहाँ पे BGMI में आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको लेजिट बंदा मिलेगा एज अ अपोनेंट। इन न्यू स्टेट आपके काफ़ी चांसेस हैं, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में कोई भी हैकर ना मिले, सीजन के एंड तक में हो सकते हैं शायद भी अगर कोई नमूना हैक बना दे तो। तो भाई अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, कॉम्पिटिशन। मैं भाई लिख के दे सकता हूँ भाई, कॉम्पिटिशन जो होगा ना भाई न्यू स्टेट में खतरनाक होने वाला है, खतरनाक। पहली बात, ग्लोबल गेम है भाई, सभी ऑडियंस ग्लोबली खेल रही है, और वहाँ पे आपको भी पता है जब पबजी वाले ग्लोबल था क्या ही कंपटीशन होता था भाई, कितने पॉइंट बढ़ते थे मुझे ही पता है आपको भी पता है। तो भाई ग्लोबल गेम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही होगा, और इन बीच भाई वहाँ पे सिर्फ इंडिया का गेम था, कंपटीशन था बट इतना भी ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल कंपटीशन था जितना कि सह सकें हम। तो भाई इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन न्यू स्टेट बहुत ज़्यादा हाई है, BGMI बहुत कम है भाई। तो भाई कंपटीशन के ऊपर मैं न्यू स्टेट को एक पॉइंट देना चाहूँगा और BGMI को जीरो। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं अब लास्ट पॉइंट की, एक्सप्लोर।
एक नया गेम है, नया मैकेनिज्म है। तो भाई यहाँ पे आप चाहो आपको मिलियन ऑफ वेज मिल सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप नई नई चीज़ें सीखोगे, नई नई चीज़ें देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे। तो यहाँ पे भाई जो एक्सप्लोर वाला बात है ना बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इन BGMI वही गेम है भाई, पबजी वाला गेम मॉडिफाई कर दिया गया है और इसको हम भाई सालों से खेल रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं भाई। तो भाई हम 3 साल से खेल रहे हैं तो भाई हमें फुल पता है हमें कब क्या करना है, कब क्या कुछ नहीं करना, भाई सब कुछ दिमाग में रटा पड़ा है। तो भाई इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोर यहाँ पर BGMI में एक्सप्लोर बहुत लिमिटेड है। तो भाई यही कुछ 5-6 पॉइंट थे जो आपको बताएगी आपको BGMI में रैंक पुश करना चाहिए या न्यू स्टेट में। तो भाई अगर आप में से किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि भाई मैं BGMI में भी रैंक पुश करूंगा और न्यू स्टेट में भी करूंगा, तो भाई उसका क्या? तो भाई आप में से कोई नहीं, वो मैं खुद हूँ भाई। मैं BGMI में भी रैंक पुश करूंगा और न्यू स्टेट में भी करूंगा। तो भाई फिलहाल अभी BGMI के नए सीजन कॉर्नर में 1 वीक है, 1 वीक से ज़्यादा ही शायद। तो भाई 1 वीक में मैं चाहूँ आराम से न्यू स्टेट में कॉर्नर करने की ट्राई कर सकता हूँ। और 1 वीक में नहीं हुआ तो 2 वीक में हो जाएगा, मतलब होना कन्फर्म है भाई BGMI में कॉर्नर और न्यू स्टेट में भी कॉर्नर। तो भाई पहले मैं स्टार्टिंग में ट्राई करूंगा 1 से 2 वीक में कॉन्कर कर लूँ न्यू स्टेट में, फिर उसके बाद भाई मैं BGMI में जंप मारूँ, BGMI में भी कॉन्कर करूँ आराम से भाई, कॉन्कर फ्रेम फुल एकदम सेवेज लाइफ। तो भाई यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है भाई, आपके दोनों में कॉन्कर करना चाहते हो। मैं एज ए मी तो भाई हाँ, मैं दोनों में कॉन्कर करना चाहता हूँ और आराम से BGMI में भी करूँगा और न्यू स्टेट में भी करूँगा और फुल ही कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट मिलेगा। तो भाई यही कुछ बातें थी, आप बताओ भाई आप किस में रैंक पुश करोगे। अगर आप मेरी तरह बंदे हो जो भाई दोनों में रैंक पुश करोगे तो ये बताओ भाई। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपने डिसाइड कर लिया आपको किस में रैंक पुश करना है तो भाई आप कमेंट करके बताओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस। यार इधर है यार, क्या समाप्त करूं, रुक जाओ इधर है। दो यार हो जा मार, अरे इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, मैं कवर में हूँ, कवर में। कोई आ गया, आ गया बच्चे, आ गया। मारो 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 मारो, लेटा हुआ लेटा हुआ, बहुत बहुत बढ़िया। तुम इस मारो, तुम इस करो, तुम इस करो, उसमें गिरोटी कर दिया भाई, उसमें स्मोक के साथ पैदा हो रहा है। अरे जोन के अंदर नहीं आ गया मैं अभी, शिट 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 गया। अरे जोन के अंदर कब आऊंगा मैं, नहीं दिख रहा। लगी दिख रही आदि, देख रही है। हेलो हेलो दीपो क्या हो गया भाई, कैसे मर गए आदि ब्रो? अरे नहीं उनको ना जॉन से बाहर ही आ गए, कोई ना, दो बंदे और हैं। अच्छा दो ही रह गए क्या, चलो चिकन एक बार तो एक है। नंबर वन आप कभी कभी ना स्पीड भागते हैं, मतलब आप हाँ कभी कभी आप धीरे भागते, कभी आगे भाग देते हैं हैकर की तरह, नेट लगे। ओके ओके।
मैं माफ कर दूंगा भैया, दिखा दे। मेरे सामने ही है, मार सकता हूँ जल्दी। अभी तो पे नंबर वन में, हाँ यहीं पे मार दिया क्या तुम्हें पूरे ही? इधर राइट 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 नंबर दो, राइट 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 में। हाँ नहीं 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 शिट 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 गलत हो गया एकदम। अबे यार ये वे कुछ गंदा खेला बे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो, और भाई बताओ कमेंट में कि आप किस में रैंक पुश करोगे, सोलो में या स्क्वाड में। तो भाई कल आएगा रैंक पुश का गेम प्ले, तो भाई डिपेंड करेगा आपके कमेंट के ऊपर कि आप किस पे ज़्यादा कमेंट करते हो, सोलो पे करते हो या स्क्वाड पे करते हो।